दिल्ली में फैक्ट्री अग्निकांड पर बोले अश्विनी चौबे, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। घटना की जांच करवाई जा रही है। अग्निकांड में कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। क्या कहेंगे, एक प्रशासन की जो है बेहद लापरवाही थी कि इस तरह से घटना हो जाती है, इल्लीगल फैक्ट्री। चौबे जी, ये भी पता लगा कि लाइसेंस भी नहीं था फायर डिपार्टमेंट का उनके पास, क्या कहेंगे? मौत नहीं हुई, धुएं से मौत हो गई। जो घटना अभी जानकारी मिली लोगों से, के चक्कर में साउंड आ रहा है ना, निश्चित रूप में हृदय विदारक है और जो भी इसके लिए दोषी है उसकी जाँच अवश्य हो रही है और उसमें ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा दी जाएगी। पहले तो उन पीड़ितों को बचाना हमारा फर्ज होता है, जो पीड़ित लोग बच जाएं, भगवान से यही दुआ है, प्रार्थना है। और जो लोग भी इस मौत के शिकार हुए, मुझे पता चला कि इसमें कई राज्यों के मजदूर तबके के लोग थे, बहुत गरीब लोग थे और उसमें से बिहार के भी काफ़ी लोग हैं, ऐसी जानकारी मिली है सभी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सरकार, संबंधित राज्यों के और सरकार, इसको मुआवजा और जो फैक्ट्री के जहाँ काम करते थे उसकी वसूली की जाए, ताकि उस गरीबों का परिवार चल सके। सर, जिम्मेदार कौन है आपके मुताबिक? स्वाभाविक है, जिम्मेदार तो जहाँ आग लगी अब उसकी जांच। सर, इलीगल फैक्ट्री थी, फायर का लाइसेंस भी नहीं था उनके पास, लाइसेंस नहीं था, इसलिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। तो जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी पूरी तरह से।